हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिसीजेस। इस टॉपिक का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ डिसीजेस, जिसके अंदर हमने इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ा था। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, जिसे हम बोलते हैं जो डिसीजेस इन्फेक्शन से नहीं होते। डिसीजेस विच डू नॉट अकर थ्रू इन्फेक्शंस एंड बॉडी कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। मीन्स जो रोग बॉडी कॉन्टैक्ट से और इन्फेक्शन से नहीं होते, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस कहते हैं। सच डिसीजेस अराइज इन ह्यूमन बॉडी इट्सेल्फ और ड्यू टू सर्टेन रीजन। ये जो डिसीजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में खुद से होते हैं या उनके कुछ रीज़न होते हैं। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है कैंसर। अभी कैंसर वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। मीन्स हमारा जो सेल है उसका जो ग्रोथ होता है वो अबनॉर्मल होता है और अनकंट्रोल होता है। मीन्स उस पर कंट्रोल नहीं होता वो ग्रोथ होने पे, उसे ही हम कैंसर कहते हैं। ग्रुप और लम्ब्स ऑफ कैंसेरियस सेल इज कॉल्ड एज अ मेलिगेंट ट्यूमर। मीन्स कैंसेरियस सेल्स जो होते हैं वो एक ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स। अभी जो कैंसर है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में हो सकता है, जस्ट लाइक लंग्स, माउथ, मुंह में, टंग, जीभ में, स्टमक, पेट में, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड। ब्लड में भी हो सकता है। अब इसके रीज़न क्या है कैंसर होने के? कंजप्शन ऑफ टोबैको, तंबाकू का सेवन करना, गुटखा, स्मोकिंग, धूम्रपान का सेवन, अल्कोहलिज्म, शराब का सेवन, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट्स फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स। मीन्स खाने में फ्रूट्स कम मात्रा में यूज़ करना और हरी सब्जियों का सेवन न करना, एंड एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड्स। मीन्स जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना। अभी जंक फूड में क्या क्या आ सकते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर्स आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन्स। अभी ये सब रीजन्स है कैंसर होने के। ये सब चीज़ों का अगर हम सेवन करते हैं तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। हेरिडिटी में आल्सो भी रीज़न, यहाँ पे अनुवांशिकता भी एक रीज़न हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। क्रोनिक कफ आना, हॉर्सी वॉइस, आवाज़ में भारीपन होना, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, निगलने में कठिनाई महसूस होना, इनक्यूरेबल स्कैर एंड इन्फ्लेमेशन, शरीर पे धब्बे आना, लम्स इन ब्रेस्ट में गांठ होना, एंड अनएक्सप्लेन वेट लॉस, बहुत तेज़ी से वेट लॉस होना। मीन्स वजन बहुत तेज़ी से कम होने लगता है इसमें। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो है डायबिटीज। द हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैंक्रियाज कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर ग्लूकोज इन द ब्लड। अभी पैंक्रियाज जो है वो एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। वो इंसुलिन क्या करता है? शुगर में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। इफ़ इंसुलिन इज सीक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन लो क्वांटिटी में सीक्रेट होने लगे तो ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ग्लूकोज का लेवल हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिससे डायबिटीज होता है। सिम्टम्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स है डायबिटीज़ के जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात के समय अधिक पेशाब करना, इंक्रीज ओबेसिटी और वेट लॉस, मोटापा अधिक होना और तेजी से वजन कम होना। रीजन फॉर डायबिटीज, हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ही कम मात्रा में करना, एंड मेंटल स्ट्रेस मीन्स ज़्यादा टेंशन लेना, ये सब चीज़ों से डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक होती है। प्रिवेंटिव मेजरेस, द फॉलोइंग प्रॉपर डाइट, मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेस अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर हेल्प टू कीप द डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल। अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे, मेडिसिन लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और डॉक्टर के टच में रहेंगे तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हार्ट डिसीजेस। इफिशेंसी ऑफ हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। अभी क्या होता है, जब हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है, कम होने लगता है, तो हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और जिससे हार्ट का वर्किंग
बढ़ जाता है, हार्ट को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ सिम्टम्स बताए गए हमको, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होना, पेन इन शोल्डर्स, शोल्डर्स में दर्द होना, नेक एंड आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड, हाथों में क्रैम्प्स आना, एंड ट्यूमर्स। रीजन फॉर हार्ट अटैक के रीजन क्या क्या, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, अल्कोहलिज्म, शराब का सेवन, डायबिटीज, मधुमेह रोग होना, हाइपरटेंशन, ज़्यादा टेंशन लेना, ओबेसिटी, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्सरसाइज कम करना, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, दिमाग पे ज़्यादा टेंशन लेना, एंगर, गुस्सा, ये सब रीज़न है हार्ट अटैक होने के। अभी हार्ट अटैक अगर अगर होता है तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर बताए गए जिनसे हम हार्ट अटैक की बीमारी से बचा जा सकता है। तो फर्स्ट, अगर हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स है, मीन्स स्टेंट्स डाले जाते हैं उसमें, इंस्टॉलेशन ऑफ फेस मेकर है, ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास सर्जरी है, एंड एंजियोप्लास्टी प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हमें हार्ट डिजीज में यूज़ पड़ती है। नेक्स्ट है मिस यूज ऑफ मेडिसिन, मीन्स मेडिसिन का मिस यूज करना। समटाइम्स पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिकॉशन ऑफ डॉक्टर, अभी कभी क्या होते हैं कुछ लोग डॉक्टर के बिना परमिशन के ही दवाई ले लेते हैं। ओवर डोज ऑफ मेडिसिन मे अफेक्ट अवर बॉडी, अभी हम मेडिसिन का ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो हमारे बॉडी पे उसका अफेक्ट दिखता है। एग्जाम्पल, ओवर डोज ऑफ पेन किलर मे डैमेज नर्वस सिस्टम, एक्सेप्टिव सिस्टम, लीवर। अगर हम पेन किलर का ज़्यादा यूज करते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे एक्सेप्टिव सिस्टम को और हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। ओवर डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मे लीड टू न्यूसा, स्टमक एचिंग, डिसेंट्री, रैश, वाइट पैचेस ऑन द टंग। अगर हम एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे हमें बेचैनी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेचिस रोग हो सकता है, और हमारी जीभ पे वाइट धब्बे पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मेडिसिन आर आल्सो नोन एज अ जनरल मेडिसिन, इसे हम जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। दीज आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पैटर्न, अभी ये जो मेडिसिन होता है और डिस्ट्रीब्यूट जो होता है विदाउट एनी किसी पैटर्न के, मतलब इस पे किसी कंपनी का बैनर नहीं लगा होता है। दीज आर मेडिसिन्स आर एट पार इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन्स, अब ये जो मेडिसिन्स होते हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में अपार होते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन्स वेरी लो, अभी इनको तैयार करने में बहुत ही कम खर्च लगता है, ड्यू टू द फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑफ रिसर्च एज देयर फार्मूला इज रेडली अवेलेबल, क्योंकि इनका जो रिसर्च का जो फॉर्मूला होता है पहले से ही तैयार होता है, तो इसलिए इनके प्रोडक्शन में कम कॉस्ट लगता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं लाइफस्टाइल एंड डिसीजेस, हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने से हम डिसीज कैसे हो सकता है वो देखते हैं। लाइफस्टाइल इंक्लूडेड द डेली रूटीन एंड देयर टाइप ऑफ फूड्स, नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट मॉर्निंग एंड गोइंग टू बेड लेट इन नाइट, फ्रिक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, कंजप्शन ऑफ जंक फूड एक्सेट्रा हैव बीन इंक्रीज, ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रिक्वेंटली, अभी क्या होता है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंजेस हो चुका है, हम सुबह देर तक सोते हैं, रात को देरी से सोने को जाते हैं, एंड हमारा जो खाने का टाइमिंग है वो भी चेंज हो गया है, अब हम फिजिकल एक्सरसाइजेस भी नहीं करते हैं और ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है हम बीमार पड़ जाते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड, अगर हमें बीमार कम होना है तो पीपल शुड फॉलो राइट लाइफ स्टाइल, तो इसके लिए लोगों को राइट लाइफ स्टाइल यूज़ करना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड सफिशेंट स्लीप, यहाँ पे हमको नींद पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, राइट फूड खाना चाहिए, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, एंड फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस शुड ऑल्सो एज पर वंस कैपेसिटी, जितना हमें हो सके उतना ही हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्राणायाम एंड योगासन शुड बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन, मीन्स ये जो योगासन और प्राणायाम होते हैं किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सी द वीडियोज ऑफ प्राणायाम योगासन, इसके लिए हमें उनके वीडियो देखने चाहिए। वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस, अभी वैक्सीनेशन से हम इन्फेक्शियस डिसीजेस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।